क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? हाँ आइए सर, ये अदालत की तरफ से नोटिस है और प्लीज इसमें साइन कर दीजिए। थैंक यू। मैंने अदालत से रिक्वेस्ट की थी कि नोटिस मेरे सामने ही आपको दिया जाए। राहुल जी, आपने पर्सनली आने की तकलीफ क्यों की? आप मेरे दोस्त जो हैं, मेरे हमदर्द, मेरे शरीक गम। उस दिन आप बाबा की बातों को याद करके रोने लगे थे और मैं आपके आंसुओं की सच्चाई पर यकीन कर बैठा था। लेकिन सुधा, उस दिन मैंने आपके पापा के बारे में जो कुछ भी कहा था उसका एक एक लफ्ज सच था। स्टॉप इट जोक। अगर तुम्हें मुझसे दुश्मनी करनी है तो कम से कम मेरे सामने आकर मुझ पर वार करो। बिहेव लाइक अ मैन। कब तक लोला के आंसर में चुपते रहोगे? देखिए, आप सोच समझ के बात कीजिए। मैं बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूं। उस दिन तुम मुझसे मिलने नहीं आए थे, तुम मेरी जासूसी करने आए थे। उस दिन मैं तुम्हारी जासूसी करने आया था, ये बात भी सच है। लेकिन इसका मतलब नहीं हुआ। लेकिन आपके पापा के बारे में मेरे दिल में जो इज्जत है वो सच है, और आपके लिए मेरे दिल में जो हमदर्दी है वो भी सच है। अगर ये सब कुछ सच है जोक, तो फिर आज भी तुम लोला के इशारों पर क्यों मान रहे हो? देखिए मिस्टर राहुल, ये मेरा पेशा है। I don't mix my business with anything, you get me? फिर भी तुम्हारा जुर्म कम नहीं होता जोक। मेरी नजर में तुम और लोला एक ही तस्वीर के दो रुख हो, फरेब और धोखे की तस्वीर। देखिए मिस्टर राहुल, एज ए लॉयर मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आप यहाँ से चले जाइए, वरना आपके लिए ठीक नहीं होगा। प्लीज।